नमस्कार सभी को, मैं आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मेरे बगीचा के लिए नेक्स्ट काम कर रहा हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी हीट काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन भी करना है मुझे प्लांट्स का, सनबर्न रिलेटेड। यहाँ पे स्टेम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए गर्मी का। और सेकंड पॉइंट है कि अगर आप लोग प्लांट्स देखते हो तो उसके ऊपर स्टीम बोरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पिन बोरर आ सकता है या पाइटोथोरा जैसे जो भी फंगीसाइड्स है, अगर उससे हम लोग प्लांट्स को बचाना चाहते हैं तो इस तरह से ये जो मटेरियल है हम लोग अभी बना रहे हैं। तो अभी मटेरियल लगभग रेडी हो चुका है, तो इसको हम लोग पेस्टिंग करने वाले हैं। तो पेस्टिंग करने के लिए ज़्यादातर अभी मटेरियल रेडी हो रहा है पूरा, तो इस तरह से हम लोग पेस्टिंग करने वाले हैं। इससे आपके प्लांट्स को काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। स्टेम बोरर हो गया, पिन बोरर होता है, और हीट से भी प्रोटेक्शन काफी अच्छा मिलता है। आप ये ज्यादातर देखा होगा कि आम के प्लांट्स के लिए भी, लेमन प्लांट्स के लिए, तो एवोकाडोस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये मटेरियल आपको दो तरीके से मिल सकता है, आप बना भी सकते हो या रेडीमेड मटेरियल भी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये मैंने अभी रेडीमेड मटेरियल यूज किया है, जिसके अंदर अगर देखते हो तो काव आता है, हींग आ जाता है, नीमर्क आता है, कापूर भी आ जाता है, देन उसके अंदर डिफरेंट पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं। या आप लोग रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, या आप एक एक चीज परचेस करके इसको कंबाइन करके बना सकते हैं। लगभग अभी मटेरियल पूरा तैयार हो रहा है, तो अभी बगीचे को लगाने को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये एक प्लांट हो गया रेडी, हमने छोटे प्लांट्स को भी लगा दिया अभी यहाँ पे, थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाए। यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हो, ये मटेरियल, इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है। ये जो आप लोग देख रहे हो, काफी जगह पे आप देखोगे एवोकाडो प्लांट्स के अंदर ये पॉइंट, तो ये जो आएगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक और वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, इस प्लांट अभी लगभग पूरा 2 घंटा हो चुका है, और हम लोगों ने काम फिनिश कर दिया है, पेस्टिंग का पूरा देख सकते हैं हम इस तरह से। ग्रोथ भी देखिए, और यहाँ पे जो फ्लावर्स मैंने ऑलरेडी दिखाया आप लोगों को वीडियोस में, कुछ सेटिंग्स भी होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, फ्रूट सेटिंग्स। टेस्टिंग का भी पूरा काम अभी फिनिश कर दिया हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे भी आप सेटिंग देख सकते हैं अभी। अभी पहला ही साल है, तो फिलहाल पता नहीं कि कितना अप्रोच इस पे रहता है नहीं रहता है, लेकिन सेटिंग तो हो रहा है अभी। ऊपर भी यहाँ पे कुछ जगह पे सेटिंग अभी हो गया है। मैं
मेरे कुछ लेमन्स के प्लांट भी है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे लेमन्स अभी लग चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, काफी बढ़िया नजारा है ये। लास्ट टाइम पे भी इस प्लांट के ऊपर मैंने आपको फ्लावरिंग दिखाया है, लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रूट सेटिंग अभी स्टार्ट हो गया है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट सेट हो चुके हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट सेटिंग हो चुका है। लगभग हम लोगों ने 80 प्लांट्स को अभी पूरा पेस्टिंग किया है इस फार्म के अंदर। अभी मेरा लेमन का बगीचा भी काफी अच्छा हो चुका है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं काफी फ्रूट्स है अभी। फ्लावरिंग भी स्टार्ट है। कुछ यहाँ पे लेमन्स अभी देख सकते हैं, बड़े लेमन्स। तो मैंने कॉम्बिनेशन में ये स्टार्ट किया है फार्मिंग। ये मेरा पूरा लेमन का बगीचा, और यहाँ पे भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है लगाना प्लांट्स। तो दो लेमन के बीच में मैं फिर से एक एवोकाडोस लगा दिया अभी यहाँ पे। इनका भी आप देख सकते ग्रोथ, अभी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो गया है इनका भी। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली है एवोकाडो रिलेटेड्स, लेमन रिलेटेड्स। वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। और हमेशा अपडेट पाना चाहते हो तो बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। इस तरह से लेमन का भी सेटिंग है। तो ज़्यादातर जितना मैंने देखा अभी तक, लेमन और एवोकाडोस मेरे दोनों काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। एक वैरायटी जो मेरे पास है, ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस भी डाले हैं, ये गंधराज लेमन है। काफी बढ़िया सेटिंग भी है इसके ऊपर। काफी हेवी वेट होता है। ये मेरे हास के प्लांट्स है। कुछ फैमिली को खाने के लिए अलग अलग फ्रूट्स भी लगाए हम लोगों ने। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है फार्म को विजिट करने के लिए, तो आप लोग आ सकते हो, देख सकते हैं मेरा फार्म कि किस तरह से मैंने डेवलप किया, और आप लोग भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन सा वैरायटी लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है। यहाँ पे भी, इस जगह पे भी मैंने लगाए हुए प्लांट्स एवोकाडोस के। कुछ ग्राफ्टिंग है, कुछ लिंक्स प्लांट्स है। ये देखिए अभी ये भी छोटा है, ये ग्राफ्टेड प्लांट है मेरा। ये रेड एवोकाडोस है, ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है। ये हास एवोकाडोस है, ये रेड।
तो इस तरह से मेरा फार्म है, कभी भी विजिट करना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो।